अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने लेक्सिकल एनालिसिस के प्रोसेस को पढ़ा है और उस लेक्सिकल एनालिसिस के प्रोसेस के अंदर हमने टोकन्स को भी देखा है और इसके अलावा टोकन्स किस तरीके के साथ क्रिएट किए जाते हैं और उसके प्रोग्राम को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6 को, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि टोकन्स को डिस्क्राइब कैसे किया जाता है और इसके अलावा कौन कौन सी लैंग्वेज इसके अंदर इस्तेमाल होती है, आज हम इनको डिस्कस करेंगे। लेकिन लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों के थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपके थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो अगर आप लोगों को थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं पता तो आप लोग पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू उन लेक्चर्स को एक बार सुन लें और देन आप लोग इस लेक्चर को स्टार्ट कर लीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ रहा है हाउ टू डिस्क्राइब द टोकन्स, टोकन्स को किस तरीके के साथ डिस्क्राइब किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर या थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, एक रेगुलर लैंग्वेजेस होती हैं और एक नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस होती हैं। जो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं वो मोस्टली हम टोकन्स को स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि रेगुलर लैंग्वेजेस बेसिकली एक रेगुलर वे प्रोवाइड करती हैं जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके अंदर हमें पता है दिस का क्या मतलब है, हमें पता है इसका क्या मतलब है, और जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो हम बेसिकली मल्टीपल वर्ड्स को कंबाइन करके एक सेंटेंस बना लेते हैं। जब हम उस सेंटेंस को रीड करते हैं तो हमें ईजिली समझ आ जाती है कि उस सेंटेंस का मतलब क्या है, क्योंकि उस सेंटेंस के अंदर वो वाले वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं जिनको हम समझ सकते हैं या जिनको हम जानते हैं, जो हमारे लिए मोस्ट पॉपुलर हैं, जिनको हम डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जब हम उन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे डेली लाइफ के अंदर आ रही हैं तो डेफिनेटली उनको समझना हमारे लिए आसान होता है। इसी तरह रेगुलर लैंग्वेज बेसिकली कंप्यूटर को ईजीली अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है, या फिर कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के अंदर जब हम कोई भी कंपाइलर बिल्ड करते हैं तो वो कंपाइलर किसी ना किसी लैंग्वेज के अंदर बनाया जाता है, और जब हम उन लैंग्वेज के हर वर्ड के मीनिंग को डिफाइन कर देते हैं तो हमें उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना या समझना आसान होता है। फॉर एग्जांपल C++ है, उसके अंदर बता दिया गया है इफ़ का मतलब क्या है, फॉर का मतलब क्या है, वाइल का मतलब क्या है, डू वाइल का मतलब क्या है। जब हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर वाइल, डू वाइल, फॉर, इफ इनको इस्तेमाल करेंगे तो हमें, जब हम उस प्रोग्राम को रिवाइज करेंगे तो हमें समझने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि फॉर का क्या काम है, वाइल का क्या काम है, डू वाइल का क्या काम है, इन सब चीज़ों के क्या काम है। उसके बाद कह रहा है रेगुलर लैंग्वेजेस क्या हैं, बेसिकली वो कह रहा है सिंपल होती हैं और हमें थ्योरी प्रोवाइड करती हैं, और वो वाली थ्योरी जो बेसिकली यूजफुल है, उसके अलावा हमें ईजी टू अंडरस्टैंड है, हमें एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है इम्प्लीमेंटेशन की और अंडरस्टैंडिंग की। अब आते हैं लैंग्वेजेस की तरफ। जब हमने लैंग्वेज की बात करनी है तो लैंग्वेज बेसिकली क्या है, लैंग्वेज को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये सिग्मा आप लोगों को नजर आ रहा है, और सिग्मा क्या है, बेसिकली सेट ऑफ करेक्टर्स मीन वर्ड्स आर स्ट्रिंग। जब हम किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज क्या है, बेसिकली सेट ऑफ अल्फाबेट्स, जिस तरह के इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर अगर हम एप्पल इस्तेमाल करते हैं, एप्पल का कीवर्ड, तो एप्पल इज द कम्बिनेशन ऑफ ए बी पी ईज, बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश लाइक करेक्टर्स। इसी तरह जब हम बात करते हैं 19 की, तो 19 क्या है, बेसिकली एक गिनती है, तो जब हम गिनती की बात करते हैं या जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीजर्स इज द कम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर का कम्बिनेशन होते हैं, तो वो क्या है, बेसिकली इंटीजर एक लैंग्वेज है, काउंटिंग एक लैंग्वेज है। इसी तरह इंग्लिश एक लैंग्वेज है, अगर हम उर्दू की बात करते हैं, हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं आप, तो आप इज द कम्बिनेशन ऑफ अलिफ मद्दा एंड पे, तो बेसिकली ये दोनों क्या है,
दीज आर द अल्फाबेट्स ऑफ उर्दू, उर्दू के ये अल्फाबेट्स हैं। जब हम उनको मिला देते हैं तो बेसिकली ये एक वर्ड बन जाता है। तो जब हम कोई भी वर्ड लेते हैं, अगर उस वर्ड का मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है तो इसका मतलब है वो क्या है, बेसिकली एक लैंग्वेज है। इसी तरह कंप्यूटर साइंस के अंदर, या थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर, या थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर, या कंपाइलर डिजाइन के अंदर, या कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के अंदर हम कुछ लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं और वो लैंग्वेज प्री डिफाइंड होनी चाहिए। जब हम कंपाइलर बिल्ड करेंगे, अगर हम सी प्लस प्लस का बना रहे हैं तो सी प्लस प्लस पहले होगी तो कंपाइलर बनेगा। इसी तरह जब हम पीएचपी का अगर बना रहे हैं तो पीएचपी होगी तो कंपाइलर बनेगा। इसी तरह वो कहता है जब आपने किसी भी लैंग्वेज का कंपाइलर बनाना है तो उसके लिए लैंग्वेज का होना कंपलसरी है, क्योंकि लैंग्वेज होगी तो कंपाइलर बनेगा। अब लैंग्वेज क्या है? कम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स। वो कह रहा है अ लैंग्वेज ओवर सिग्मा इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर्स ड्रॉन फ्रॉम द सिग्मा। वो कह रहा है बेसिकली लैंग्वेज क्या है, बेसिकली एक सिग्मा है जिसके अंदर जितने भी कीवर्ड्स होते हैं या जितने भी करेक्टर्स, सॉरी जितने भी वर्ड्स होते हैं, वो सारे सारे कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स होते हैं। कौन से करेक्टर्स के? जो के लैंग्वेज के अंदर डिफाइन है। फॉर एग्जाम्पल हमने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर पढ़ा ए भी एक लैंग्वेज है। अब आपको पता है जब हम उससे डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया करते थे, डिफरेंट उससे वर्ड्स क्रिएट किया करते थे और सारे के सारे वर्ड्स ए और बी का कम्बिनेशन हुआ करते थे। अगर जैसे सिंपल ए आ गया उसमें बी जीरो टाइम है, बी आ गया ए जीरो टाइम है, अगर ए बी आ गया ए वन टाइम बी वन टाइम, इस तरह का हम पढ़ रहे थे। उसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल हैं। वो कह रहा है हमारे पास अल्फाबेट्स क्या है, अल्फाबेट्स वो कह रहा है अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं तो इंग्लिश करेक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल ए है, बी है, सी है, डी है, टू अप टू जी तक। इसी तरह जब हमारे पास हम लैंग्वेज की बात करेंगे तो वो बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हो जाएगी। मतलब आई एम अ स्टूडेंट, तो दिस इज द लैंग्वेज। ये किस लैंग्वेज के अंदर डिफाइन है? इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर डिफाइन है। इसी तरह वो कह रहे हैं हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी तरह एक और एग्जांपल है। वो कह रहा है हमारे पास ASCII लैंग्वेज अल्फाबेट्स हैं तो वो किसके कम्बिनेशन है, उसके अंदर वो लैंग्वेज कौन सी हम इस्तेमाल करते हैं? वो सी प्लस प्लस प्रोग्राम हम बनाते हैं, जावा बनाते हैं, सी शार्प बनाते हैं, या सी शार्प के अंदर हम ASCII के इस्तेमाल करते हैं, जावा के अंदर हम ASCII इस्तेमाल करते हैं, सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर हम ASCII इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्या रहा है कि जब हम कोई भी लैंग्वेज लेते हैं उस लैंग्वेज के अंदर जितने भी हमारे पास वर्ड्स होते हैं उनको हम बनाते हैं तो किसी ना किसी नोटेशन के अकॉर्डिंगली बनाते हैं। मतलब क्या, हमारे पास कोई ना कोई रूल होता है, हम उस रूल को फॉलो करके हम क्या करते हैं, बेसिकली एक लैंग्वेज के कीवर्ड्स या वर्ड्स को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इंग्लिश लैंग्वेज इस्तेमाल की, उसके अंदर एप्पल का एक हमने वर्ड इस्तेमाल किया, तो एप्पल का वर्ड जब हमने ए डबल पी एल इन तीन इन पांचों करेक्टर्स को हमने आपस में जोड़ा तो हमने किसी ना किसी रूल के अकॉर्डिंग भी जोड़ा। अब उसमें पहला रूल क्या था? वो कह रहा है फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स। मतलब अगर हमने कोई भी वर्ड लेना है तो वो फाइनाइट नंबर्स का होना चाहिए, फाइनाइट नंबर्स ऑफ करेक्टर्स का होना चाहिए। जिस तरह एप्पल के अंदर पांच है तो ये इंग्लिश की बात करो। इसी तरह जब हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की बात करेंगे तो उसके अंदर भी हमारे पास जितने भी करेक्टर्स होंगे वो फाइनाइट होंगे, फाइनाइट नंबर्स ऑफ हम करेक्टर्स इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कह रहे हैं नीड सम नोटेशंस फॉर स्पेसिफाइंग व्हिच सेट्स वी वांट। उसके बाद कह रहे हैं हम कुछ नोटेशंस को डिफाइन कर देते हैं या स्पेसिफाई कर देते हैं जो हमें बताती है कि हमें किन करेक्टर्स की या हमें किन वर्ड्स की जरूरत है, वो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स, हमारी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इंटीजर इस्तेमाल करना है तो हमें 0 से 9 के बिटवीन चाहिए, अगर हमने इंग्लिश लाइक करेक्टर्स इस्तेमाल करने हैं तो हमें ए से बी के बिटवीन चाहिए, अगर हमने स्पेशल करेक्टर्स इस्तेमाल करने हैं तो हमें ASCII चाहिए। अच्छा जी, फॉर लेक्सिकल एनालिसिस वी केयर अबाउट द रेगुलर लैंग्वेजेस। अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में लेक्सिकल एनालिसिस के बारे में पढ़ा, तो लेक्सिकल एनालिसिस के बारे में मैंने क्या कहा था कि हम फ्रंट एंड से सोर्स प्रोग्राम लेकर उसके लेक्सीम्स क्रिएट करके देन हम क्या करते हैं आईआर को दे देते हैं। अब लेक्सीम्स मीन वर्ड्स, मीन टोकन्स, वो टोकन्स होते हैं और टोकन्स किसके होते हैं? वर्ड्स के होते हैं। और जब हम वर्ड की बात करते हैं तो इसका मतलब है लैंग्वेज की बात करते हैं। वो कह रहा है जब हम लैंग्वेज की बात करेंगे तो वो कह रहा है हम क्या करेंगे, रेगुलर लैंग्वेज की बात करेंगे क्योंकि हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर बात करते हैं। जब वो कह रहा है हमारे पास अगर कोई रेगुलर लैंग्वेज होगी तो रेगुलर लैंग्वेज से हम क्या कर सकते हैं, लेक्सिकल एनालिसिस कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कीवर्ड्स मौजूद होंगे। वो कह रहा है जो रेगुलर लैंग्वेज है वो रेगुलर एक्सप्रेशंस को डिस्क्राइब करके बनाई जाती है, या जो रेगुलर लैंग्वेज है
उसके अंदर जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं तो वो हमेशा रेगुलर लैंग्वेज को डिस्क्राइब कर रहे थे। रेगुलर लैंग्वेज कैन बी डिस्क्राइब यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर हमने कोई रेगुलर लैंग्वेज बनानी है या उसको डिस्क्राइब करना है तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू डिफाइन करते हैं। अब रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? बेसिकली दीज आर द फार्मूलाज, रूल्स, फॉर्मेट्स जिनको हम इस्तेमाल करके हम डिफरेंट अपने कामों को कंप्लीट करते हैं या डिफरेंट रूल्स को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ हमने एक वर्ड इस्तेमाल करना है मैंगो, तो मैंगो बेसिकली इज द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के डिफरेंट अल्फाबेट्स का कम्बिनेशन है। लेकिन इसके अंदर कुछ रूल्स डिफाइन है जिसकी मदद से हमने इन सब करेक्टर्स को मर्ज किया। बेसिकली वो क्या है? बेसिकली साउंड, साउंड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसी तरह जब हमने कंप्यूटर साइंस के अंदर थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा इस्तेमाल करनी है, उसके अंदर हमने जब कोई भी लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज बनानी है तो हम क्या करेंगे? रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू, मीन फार्मूलाज के थ्रू डिफाइन करेंगे। और वो फार्मूलाज क्या है यार? यदि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के लेक्चर नंबर 1 के अंदर ये डिस्कस किया जा चुका है, लेक्चर नंबर 2 के अंदर भी इसको डिस्कस किया जा चुका है। अगर आप लोगों ने रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में नहीं पता तो मेरे लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देख लें थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के, तो आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ जाएगी। अगेन इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेगुलर लैंग्वेजेस क्या होती हैं? मैंने पहले भी बताया था रेगुलर लैंग्वेजेस वो वाली लैंग्वेजेस होती हैं जो कि एक कंटिन्यूस वे के अंदर डिफरेंट वर्ड्स को प्रोड्यूस कर रही होती हैं फ्रॉम डिफरेंट करेक्टर्स ऑफ द गिवन लैंग्वेज। जो हमें लैंग्वेज गिवन है उसके ही डिफरेंट करेक्टर्स को कंबाइन करके डिफरेंट वर्ड्स प्रोड्यूस कर रही होती हैं। दिस इज कॉल्ड रेगुलर लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं हमारे पास ए एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं एल ऑफ ए मीन हमारे पास एक लैंग्वेज है, हमारे पास एक लैंग्वेज है जिसका एक्सप्रेशन क्या है? ए। तो हम कह सकते हैं अ लैंग्वेज ए डिनोटेड, अ लैंग्वेज एल डिनोटेड बाय ए, दिस इज कॉल्ड एल ऑफ ए। मतलब हमारे पास ए क्या है? बेसिकली एक रेगुलर एक्सप्रेशन है ए जो कि कौन सी लैंग्वेज से डिफाइन है? एल लैंग्वेज से डिफाइन है। तो हम इसको कह सकते हैं एल ऑफ ए, मतलब ए रेगुलर एक्सप्रेशन एल लैंग्वेज से डिफाइन है। नेक्स्ट आते हैं, वो कह रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन आर इज डिफाइंड इंडक्टिवली। अच्छा यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं, जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसके लिए हम शॉर्ट कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं उसको डिस्प्ले करने के लिए आर ई, इसको आर डॉट ई भी पढ़ा जाता है। वो कह रहा है इसके अंदर ऑर्डिनरी करेक्टर्स फ्रॉम सिग्मा, मतलब हम कोई भी करेक्टर सिग्मा के ले लेते हैं, हमें हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हमें एक ही लेना है दो ही लेने हैं, हम ऑर्डिनरी करेक्टर्स ले लेते हैं। वो उसके अलावा हम वो कह रहे हैं हम एम्प्टी स्ट्रिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब हमने कोई भी इसके अंदर करेक्टर को रीड नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ हमारे पास लैंग्वेज ए है, तो ए की जगह हम नथिंग भी लिख सकते हैं और ए भी लिख सकते हैं, टू टाइम्स ए भी लिख सकते हैं, थ्री टाइम्स ए भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस। वो कह रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए कुछ रूल्स हैं, वो किस तरह हैं? वो कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आर बार एस। अब ये बार का क्या मतलब है? इसका मतलब है आइदर आर आर एस, मीन ये जो लाइन है ये या को प्रोड्यूस कर रही है, ओ आर को प्रोड्यूस कर रही है, आर मीन या तो आर होगा या फिर एस होगा, दोनों में से कोई एक। इसी तरह अगर हमारे पास आर और एस आ जाता है, आर मीन कोई एक हमारे पास है जो है ना रेगुलर वर्ड है और एस मीन कोई एक रेगुलर वर्ड है। वो कह रहा है आर बार एस मीन आर या फिर एस। इसी तरह आर ऑफ एस का मतलब है आर फॉलोड बाय द एस, मतलब आर क्या कर रहा है? एस को फॉलो कर रहा है, मीन एस बाद में होगा आर पहले होगा। इसी तरह वो कह रहे हैं अगर आर के ऊपर स्टेरिक हम लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लूप, मीन आर का लूप जीरो से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट चलेगा। फॉर एग्जांपल आर है तो आर की जगह सबसे पहले हम लिखेंगे ये जीरो से स्टार्ट होगा आर जीरो टाइम, फिर आर वन टाइम, फिर आर टू टाइम, फिर आर थ्री टाइम। ये नीचे आप लोगों को एग्जाम्पल शो हो रही है, देखिए आर स्टेरिक मीन आर स्टेरिक सबसे पहले, उसके बाद हमारे पास जो है ना एप्सिलॉन आ रहा है, इसका मतलब होता है नथिंग, इसको हम लैम्डा भी जो है रीड करते हैं। उसके बाद हमारे पास आर वन टाइम, देन टू टाइम, देन थ्री टाइम, देन फोर टाइम और इसी तरह टू सो ऑन, ये चलता रहता है। इसी तरह वो कह रहा है अगर आर के आगे क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो इसका मतलब क्या मतलब है? इसका मतलब है आर जीरो टाइम, आर आर वन टाइम, मीन जीरो आर वन, दोनों में से कोई एक, कोई हमारे पास थर्ड कंडीशन नहीं है, जीरो आर वन। उसके बाद अगर आर के ऊपर प्लस आ जाता है तो इसका मतलब क्या है? दिस इज द लूप जो कि स्टार्ट होता है हमेशा वन से, मतलब आर वन टाइम या फिर आर टू टाइम या फिर आर थ्री टाइम,
इसके अंदर जीरो टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है, वन आर मोर। उसी तरह अगर आर के इर्द गिर्द ब्रैकेट्स आ जाते हैं तो इसका मतलब है ग्रुपिंग, आर की ग्रुपिंग है। वो आर को हम 3 टाइम भी ग्रुप कर सकते हैं, आर को 10 टाइम भी ग्रुप कर सकते हैं, वो इट्स अप टू अस अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद कह रहे हैं हम रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए कुछ एक्सटेंशन इस्तेमाल करेंगे जिसके थ्रू हम क्या करेंगे इसका प्रोग्राम बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है अगर हमने कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के अंदर ए से लेकर सी तक सारी सारी इनके कम्बिनेशन को राइट करना है तो वो किस तरीके के साथ होंगे। हम सिंपल एक रेगुलर एक्सटेंशन इस्तेमाल करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन की एक्सटेंशन जो क्या करेगा उस पूरी पूरी लिस्ट को डिफाइन करेगा। हम लिखेंगे ब्रैकेट ए बी सी ब्रैकेट क्लोज, तो ये क्या करेगा ए आर बी आर सी, ए बी आर सी बी सी आर ए, मीन ए बी और सी के ऑल कॉम्बिनेशन फ्रॉम जीरो जीरो टू ऑनवर्ड टू इनफाइनाइट, और ये हम सी प्लस प्लस के अंदर इस्तेमाल करेंगे। ब्रैकेट ए बी सी ब्रैकेट क्लोज ये क्या करेगा, ये बेसिकली ए बी सी ऑफ स्टैटिक के रेगुलर एक्सप्रेशन को डिस्प्ले करेगा। इसी तरह ब्रैकेट स्टार्ट ए इंटू जी ब्रैकेट क्लोज ये क्या करेगा ए से लेकर जी तक जितने भी हैं उन सब के कम्बिनेशन को प्रोड्यूस करेगा। ये रेंज हो जाएगी ए से लेकर स्टार्ट हो रहा है और जी पर एंड हो रहा है। इसी तरह हमारे पास कैप ए बी ये क्या करेगा एनीथिंग बट ए बी, ये क्या करेगा एनीथिंग बट ए बी, कोई भी चीज लेकिन वो भी होनी चाहिए किसमें ए बी में। इसी तरह हमारे पास आर ही है स्ट्रिंग, अगर ए है तो ये ए हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, ए बी है तो ए बी डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, ए आर बी है तो ए डबल कोट्स के अंदर या फिर बी डबल कोट्स के अंदर, ए बी स्टैटिक है तो ए बी के होल कॉम्बिनेशन मल्टीपल इनफाइनाइट लूप। इसी तरह ए आर बी ऑफ बी का क्या मतलब है, ए को हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी के साथ और एक बार हम एप्सिलॉन को बी के साथ मल्टीप्लाई करें, मतलब वन टाइम ए बी आएगा और सेकेंड टाइम सिर्फ बी आएगा। इसी तरह इंटीजर है तो इंटीजर हमारे पास बेसिकली है क्या है अ नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग ऑफ डिजिट्स, मतलब इंटीजर्स हमारे पास सारे सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं 0 से लेकर 9 तक। तो वो कह रहे हैं नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग ऑफ डिजिट्स, मतलब ऐसी नॉन एम्प्टी ऐसी स्ट्रिंग जो कि एम्प्टी नहीं है, जिसके अंदर डिजिट नहीं है, जिसके अंदर डिजिट है और डिजिट के बगैर वो एम्प्टी नहीं है, डिजिट कोई ना कोई मस्ट होगा। और डिजिट को हम अगर हम इंटीजर लिखेंगे तो ये डिस्प्ले करेगा, अगर हम डिजिट लिखेंगे तो वो क्या करेगा 0 से लेकर 9 तक इनके कॉम्बिनेशन। इसी तरह अगर हम इंटीजर लिखेंगे तो ये क्या करेगा डिजिट डिजिट स्टैटिक, मतलब वन टाइम डिजिट कंपल्सरी आएगा, चाहे वो 0 है चाहे वो 1 है और उसके बाद उनके कॉम्बिनेशन। अच्छा जी, उसके बाद एग्जाम्पल्स है आइडेंटिफायर्स की, ये ऑलरेडी वही चीजें हैं जो हमने लास्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस किए, आइडेंटिफायर्स हैं, कीवर्ड्स हैं, इंटीजर्स हैं, उन्हीं को अब हम क्या करें प्रोग्रामिंग के अंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम किस तरीके के साथ राइट करें। बट द स्ट्रिंग्स आर लेटर्स आर डिजिट्स, मतलब वो कह रहा है या तो स्ट्रिंग्स होंगी या लेटर्स होंगे या डिजिट्स होंगे स्टार्टिंग विद द लेटर स्टार्टिंग विद ए लेटर। वो कह रहे हैं एक लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं जो या तो स्ट्रिंग्स हो सकती हैं या फिर लेटर्स हो सकते हैं या फिर डिजिट्स हो सकते हैं, उनको हम इस तरीके के साथ राइट करेंगे। किस तरीके के साथ हम राइट करेंगे, हम लिखेंगे ए स्टार्ट जी ऑफ ए टू जी, मीन स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जी तक, कैपिटल ए से लेकर कैपिटल ए जी तक, या फिर ए ऑफ जी इंटू ए ऑफ जी इंटू 0 ऑफ 9, मतलब ए स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जी तक, कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जी तक और 0 से लेकर 9 तक इनके कॉम्बिनेशन। तो आज के लेक्चर में हमने ये काफ़ी चीज़ें देखी, तो उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ये वही हैं टोकन्स जो कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जिनको डिस्कस किया है। वो कह रहा है कि हम टोकन्स को क्या करेंगे, स्ट्रिंग्स ऑफ करेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग लेक्सिकल यूनिट्स ऑफ प्रोग्राम सच एज आइडेंटिफायर्स नंबर्स ऑपरेटर्स, मीन हम टोकन्स क्रिएट करेंगे किन के, नंबर्स के, आइडेंटिफायर्स के, ऑपरेटर्स के, और जो क्या होंगे बेसिकली कम्बिनेशन होंगे किन के, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स के। ये भी हमने लास्ट में पढ़ा रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या हैं, ये भी हमने इनको कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया, इसको भी हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है लैंग्वेजेस को कि वो किस तरीके के साथ राइट करते हैं। अब हम आते हैं कि हम इन रेगुलर एक्सप्रेशंस को कैसे इस्तेमाल करें, हमें एक ऐसे मैकेनिज्म की जरूरत है जो क्या करेगा डिटरमाइन करेगा किसको, इफ एन इनपुट स्ट्रिंग डब्ल्यू बिलोंग्स टू एल ऑफ आर। वो कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एक स्ट्रिंग बनाई है और वो स्ट्रिंग हमने लैंग्वेज आर से बनाई है,
और वो लैंग्वेज कौन सी है, एल ऑफ आर। तो हमने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना है जो हमें ये बताएगा कि हमने एक वर्ड या एक स्ट्रिंग जो है वो इस लैंग्वेज से प्रोड्यूस हो रही है, इससे प्रोड्यूस नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल हमने एक लैंग्वेज बनाई ए बी, तो हमने उससे एक वर्ड प्रोड्यूस किया ए बी ए। तो हमने ऐसा मैकेनिज्म बनाना है जो ये बताए हमें कि ए बी से प्रोड्यूस हो रही है या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास है एक रेगुलर एक्सप्रेशन आर का मैकेनिज्म है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या फार्मूला का मैकेनिज्म है जिसको हम इस्तेमाल करके ये चीज़ डिफाइन कर सकते हैं। वो कह रहे हैं उसके लिए एक और चीज़ है, एक्सेप्टर हम बना लेते हैं। एक्सेप्टर क्या करता है, एक किसी भी वर्ड को लेता है, उसको चेक करता है कि क्या ये इस लैंग्वेज से प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर तो हो रहा है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, अदरवाइज रिजेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं हमारे पास एक इनपुट स्ट्रिंग है डब्ल्यू, हमारे पास एक लैंग्वेज है एल, वो हमने एक्सेप्टर को इस तरीके के साथ डिजाइन किया हुआ है कि वो लैंग्वेज एल के तमाम एक्सेप्टर्स को स्टोर किया हुआ है उसने। जैसे ही हम उसको एक कीवर्ड देंगे वो उसको चेक करेगा क्या ये डायरेक्टरी के अंदर पड़ा हुआ है, अगर तो पड़ा हुआ है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं सी प्लस प्लस से देता हूँ, उसके अंदर मैंने फॉर की कंप्लीट डायरेक्टरी डिफाइन कर दी। अब जैसे ही मैं फॉर उसको दूंगा वो चेक करेगा क्या फॉर इसके अंदर पड़ा हुआ है या नहीं, अगर तो फॉर पड़ा हुआ है तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर देगा। उसके अलावा हमारे पास दूसरा मैकेनिज्म है फाइनाइट ऑटोमेटा का। फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में कम्प्लीटली अगर आपने इसके लेक्चर्स को रीड करना है या इसके बारे में देखना है कि ये क्या है, तो आप मेरे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के लेक्चर नंबर 3, 4 एंड 5 को सुन सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के अंदर जिनके लिंक्स भी गिवन है आप लोगों को पता चल जाएगा कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। वो कहता है उसके अंदर हम बेसिकली हम किन चीज़ों को डिफाइन करते हैं, हम स्पेसिफाई करते हैं किसको, रेगुलर एक्सप्रेशन को, और इम्प्लीमेंट हम किसको करते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा को करते हैं। बेसिकली दीज आर द मशीन्स, ये मशीन्स होती हैं जिनकी मदद से हम बेसिकली दीज आर द हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ द मशीन। ये मशीन्स का हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, बेसिकली लैंग्वेजेस को डिफाइन करते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा। अब हम इसको रीड आउट करते हैं। वो कह रहे हैं फाइनाइट ऑटोमेटा जो होता है उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम कह रहे हैं कि वो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है या इन चीज़ों के ऊपर डिफाइन होता है। एक है इनपुट अल्फ़ाबेट, हमारे पास वो कह रहा है कि कोई ना कोई अल्फ़ाबेट होगा जिसको हमने इनपुट करवाना है। उसके बाद हमारे पास कुछ स्टेट्स होंगी जिनको हम इनिशियल स्टेट्स या फाइनल स्टेट्स या मिड स्टेट्स या नल स्टेट्स के नाम से लेते हैं। मतलब कुछ पॉइंट्स होंगे, पॉइंट्स मीन स्टेट्स, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। जिस तरह मैं कहता हूँ मैंने यहाँ से लाहौर जाना है, तो लाहौर के लिए सबसे पहले मुझे गुजरात की और लाहौर वाली बस पे बैठना पड़ेगा गुजरात से। अगर मैं गुजरात की बात करूँ, अगर इस्लामाबाद से जाना तो मुझे इस्लामाबाद से लाहौर वाली बस पे बैठना पड़ेगा। तो जैसे ही बस चलेगी लाहौर की तरफ, अगर वो गुजरात से चल रही है तो पहले वो वज़ीराबाद पहुँचेगी। तो मैं कह देता हूँ कि हमारे पास क्या है बेसिकली, जब हमने कोई एक लैंग्वेज पास करनी है एक ऑटोमेटा के ऊपर, तो उसकी दो स्टेट्स हैं, एक इनिशियल है एक फाइनल है। इनिशियल बेसिकली कौन सी है, गुजरात, और फाइनल कौन सी है, लाहौर। जब वो वज़ीराबाद पहुंची तो बेसिकली उसकी एक मिड स्टेट है जिसको हम वज़ीराबाद का नाम दे देंगे। जब गुजरावाला पहुंची तो हम कह देंगे एक और मिड स्टेट है जिसको हमने गुजरावाला का नाम दे दिया। तो बेसिकली जैसे अब उसकी टोटल स्टेट्स कितनी होंगी, चार, एक गुजरात, एक वज़ीराबाद, एक गुजरावाला और एक लाहौर, जिसमें से एक इनिशियल होगी एक फाइनल होगी। तो वो कह रहा है कि जब हमने कोई भी इनपुट देनी है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लैंग्वेज है ए बी, तो मैंने एक स्ट्रिंग रीड करनी है ए बी ए। तो बेसिकली क्या है कि पहले हम क्या करेंगे, ए स्टेट वन से स्टेट टू तक ए पास करेंगे, फिर स्टेट टू से स्टेट थ्री तक बी पास करेंगे, स्टेट थ्री से स्टेट फोर तक ए दोबारा पास करेंगे। अब पहले वाली स्टेट इनिशियल है, एंड वाली फाइनल है, तो इसके बिटवीन एक ही नल एक मिडिल स्टेट है। उसके अलावा वो कह रहा है स्टार्ट इनिशियल स्टेट होनी चाहिए, सेट ऑफ ट्रांजिशंस होनी चाहिए। ट्रांजिशंस का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जब हम मूव करते हैं हम कुछ ना कुछ एलिमेंट्स रीड करते हैं, दीज आर द ट्रांजिशन। उसके बाद कह रहा है सेट ऑफ एक्सेप्टिंग फाइनल स्टेट्स, वो कह रहा है हमारे पास फाइनल स्टेट्स होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए रूल है आपके पास एक या एक से ज्यादा हो सकती हैं, मोर देन वन हो सकती हैं। अब उनको डिनोट किस तरीके के साथ किया जाता है वो देखते हैं। ये देखें, वो कह रहे हैं अगर आपके पास सिंपल स्टेट हो तो उसका आपने सिंपल सर्कल के साथ, स्टार्ट है तो उसका आपने स्टार्टिंग सिंपल के साथ, एरो के साथ, अगर फाइनल है तो उसके आपने उसको आपने डबल सर्कल के साथ डिनोट करना है। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है स्टेट ग्राफ, अगर आप इस तरीके के साथ, अब ये जो
स्टेट एक से स्टेट दूसरी की तरफ ए जो रीड हो रहा है, जिसको कहते हैं ट्रांजिशन हो रही है, ए की ट्रांजिशन हो रही है, ए को रीड किया जा रहा है। उसके बाद फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है? फाइनाइट ऑटोमेटा बेसिकली हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट मशीन्स को राइट करते हैं या बनाते हैं, और उसके अंदर हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस गिवन होती हैं, हम उन लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंट कीवर्ड्स को रीड करते हैं, और जब वो रीड कीवर्ड्स कम्प्लीटली रीड हो जाते हैं तो हम कहते हैं हमने एक क्या किया, ऑटोमेटा बना दिया। उसकी एक एग्जाम्पल है ये आप लोगों के सामने, हमने इनिशियल स्टेट से वन रीड किया और फाइनल स्टेट पर चले गए, हम इसको कहेंगे आप फाइनाइट ऑटोमेटा डेट एक्सेप्ट ओनली वन, जो सिर्फ वन को एक्सेप्ट करता है। इसी तरह अ फाइनाइट ऑटोमेटा डेट एक्सेप्ट एनी नंबर ऑफ वंस फॉलोड बाय द जीरो, किसी भी नंबर को वो एक्सेप्ट करेगा जो कि जीरो को फॉलो कर रहा हो, जब सॉरी जो हमारे पास क्या हो, नंबर वन हो जो फॉलोड बाय जीरो हो। हमने स्टार्ट किया, हमने कहा वन का लूप लग गया, ये लूप की ट्रांजिशन है कि जब हमने इसी से स्टार्ट किया उसी पर खत्म किया, दिस इज द ट्रांजिशन ऑफ लूप। वो कह रहा है वन जितनी बार बदली आए जैसे ही जीरो आएगा वो एंड स्टेट पर चला जाएगा। ये हमारे पास एक और एग्जांपल है जो क्या कर रहा है, ए बी स्टेटिक ए को रीड कर रहा है, मतलब स्टार्ट भी ए से करेगा एंड भी ए पर होगा, बी जितनी बार मर्जी आ जाए, बी वन टाइम भी आ सकता है जीरो टाइम भी आ सकता है। स्टेटिक का मतलब क्या है कि ए जीरो आर मोर, वो कह रहा है स्टार्ट किया ए रीड किया स्टेट बी पर चला गया दूसरी स्टेट पर चला गया, बी जितनी बार मर्जी रीड करो या ना रीड करो, देन ए रीड किया और देन थर्ड स्टेट पर चला गया, यही दिस इज द फाइनल स्टेट। ये हमारे पास कुछ फाइनाइट ऑटोमेटिक एग्जांपल्स थी। आज के लिए लेक्चर के लिए इतना ही काफी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और बाकी हम चीजों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।